आज हम चल रहे हैं कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो ये हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये दोनों तरफ पूजा प्रसाद की दुकानें हैं, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, आप यहाँ पे अपना सामान भी रख सकते हैं। ये कामाख्या मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ से हम अंदर चलेंगे। यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, आसपास छोटे मोटे होटल हैं जो 500 हज़ार मतलब आपके बजट के हिसाब से कमरा दे देते हैं, लेकिन 300-400 रुपये के भी कमरे यहाँ पे हैं। ये मेन मंदिर है जो मुख्य द्वार से अंदर जाते ही दिखाई देता है, साइड में ये कैंपस है। हम मंदिर के दाहिने तरफ चल रहे हैं अभी। यहाँ पे दर्शन के लिए आपको बहुत सवेरे से लाइन में लगना पड़ता है, ये मंदिर के पीछे हिस्से का भाग है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे दर्शन के लिए बहुत पहले से लाइन में लगना पड़ता है, तकरीबन लोग सवेरे 3 से 4 बजे ही आकर के लाइन में लग जाते हैं, और एक विशेष दर्शन के लिए 500 रुपये की पर्ची भी कटती है। तो हम लोगों ने 500 रुपये का पर्ची लिया है। ये वहाँ का वेटिंग हॉल है। मंदिर में दर्शन के लिए लगभग आपको ये 500 रुपये की पर्ची के बाद से भी लगभग 5 घंटे का समय चाहिए, और अगर आप जनरल लाइन में हैं तो मान के चलिए कि 7 से 8 घंटे का समय चाहिए। तो अगर आप सवेरे 3-4 बजे लाइन में लगते हैं तो आप 12-1 बजे तक दर्शन कर लेंगे, ऐसी संभावना है। चूँकि द्वार बहुत ही सकरा है, ये बाएं साइड में ये जनरल लाइन है और ये पर्ची वाली लाइन है, ये लगभग एक फिक्स है, उतना ही पर्ची देते हैं ये लोग, उसके बाद से काउंटर बंद कर दिया जाता है। ये दो लाइनें लगी हुई हैं, जनरल लाइन में काफ़ी भीड़ है, हालांकि कोई खास फ़र्क नहीं है। अगर आप जनरल लाइन से आते हैं तो 2 से 2.5 घंटे का अधिक समय लगेगा, और अगर 500 रुपये की पर्ची लेके आते हैं तो वही 2 से 2.5 घंटे का समय आप बचा सकते हैं। यही फ़र्क है, बाकी कोई खास फ़र्क नहीं है। दोनों लगभग समान रूप से आके दर्शन के लिए अंदर मंदिर में जाते हैं, दोनों लाइन में खड़े लोग आप देख रहे हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो अब हम उसके आगे का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। ये मंदिर के कैंपस के बाहर का हिस्सा है, आप देख रहे हैं। मंदिर धूप अगरबत्ती वगैरह ये बाहर ही जलाए जाते हैं। पंडों से सावधान रहिए, ये दर्शन कराने के नाम पे आपसे पैसे ऐंठ लेंगे, और ये दर्शन कुछ नहीं कराते हैं, आप खुद से अंदर जा सकते हैं, और जो भी बहुत कम समय होता है तो आप वहाँ मंत्रोच्चारण तो नहीं कर सकते हैं, तो पंडे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद से जाइए, खुद से दर्शन करके बाहर आइए। और यहाँ पे बाहर अगरबत्ती धूप जलाने का स्थान है, ये दिए जल रहे हैं, यहाँ पे आप अपना दिया जला सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, जो भी है ये सारे काम यहीं पे होते हैं। काफ़ी भीड़ रहता है, हम लोग संडे को पहुँचे थे, संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि छुट्टियों के दिन पर आमतौर पर ना जाए। और जून में लगभग 4-5 दिन ये मंदिर बंद भी रहता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। मंदिर जून में अगर जा रहे हैं तो ज़रूर पता कर लें कि मंदिर खुला है या नहीं खुला है। ये यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। लोग चुनरी वगैरह भी चढ़ाते हैं, आप मंदिर में अंदर भी चुनरी चढ़ा सकते हैं। ये लोग वो हैं जो थोड़ा जल्दी में है, जिन्हें अंदर जाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि अंदर दर्शन के लिए वो 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है आपको। ये फिर हम मंदिर के पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ से हम लाइन में लगे थे। ये बाएं तरफ हमारे जो प्रतीक्षा घर है, जहाँ हमने लगभग 2 से 2.5 घंटे का इंतज़ार किया था, उसके बाद से 2-2.5 घंटे हम लोग लाइन में लगे रहे, उसके बाद दर्शन किया। जिन लोगों के पास कम समय होता है वो लोग इधर पीछे से आते हैं। हालांकि कामाख्या मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, जैसा कि आपको पता होगा, तो लोग यहाँ से आते हैं और मुख्य द्वार से अपनी प्रार्थना वगैरह, जो लोग जल्दी में होते जिनके पास समय नहीं, वो ये यहाँ से मुख्य द्वार से जो है प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं आगे बढ़ के। इधर ये एक सिद्धि पीठ माना जाता है, यहाँ पे बलि स्थान है, यहाँ पे बकरे भैंसे कबूतरों तक की भी बलि दी जाती है। जैसा हम लोगों ने देखा कि लोग कबूतर भी पकड़ पकड़ के बलि दे रहे थे। ये बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, पहले ये कलाकारी बहुत सुंदर थी, लेकिन अब इसे सीमेंट से प्लास्टर करके रंगाई पुताई कर दिया गया है, तो सारी कलाकृति गायब हो गई है, बस कुछ मूर्तियाँ ही बची हुई हैं कलाकृति के नाम पे, बाकी ये अब एक भवन जैसा हो गया है। ये बगल में बैठने के लिए स्थान है, जहाँ लोग बैठ के अपना भक्ति भाव से बैठे रहते हैं। ये एक और छोटा सा वो है जो आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन वही आप द्वार पे बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे। बाकी अब हम लोग ये मंदिर के पीछे के हिस्से से होकर चल रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्ति बनी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये ऊपर में
यहाँ पे हवन वगैरह नहीं होता है, नॉर्मली लोग पूजा वगैरह ही करते हैं। यहाँ पे आप अपना थोड़ा बहुत समय बिता सकते हैं। लोग कुछ लोग परिक्रमा भी करते हैं, जो लोग थक जाते हैं वो यहाँ बने भवन में आराम करते हैं। बहुत बड़ा कैंपस नहीं है इसका, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है, बहुत जगह नहीं है। आसपास होटल वगैरह बन चुके हैं, ये देख सकते हैं कबूतर वगैरह, लोग इन कबूतरों को भी बलि दे देते हैं। ये मंदिर का मुख्य ढांचा है, बहुत ही सुंदर है। मैं आपको इसकी कलाकृतियाँ दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई। ये सिंगल स्टोन है, एक ही पत्थर को काट काट के बनाया गया है, एलोरा की मंदिरों की तरह बिल्कुल सिंगल पे है, बहुत ही सुंदर है। आगे बढ़ते हैं तो, और यहाँ पे आप बगल में आकर के जो दो शेर बने हुए हैं, यहाँ पे लोग खड़े होकर फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है, आपकी अपनी अपनी मान्यता है, आप आकर के यहाँ पे दर्शन वगैरह कर सकते हैं। गुवाहाटी स्टेशन से बसें चलती हैं, गुवाहाटी बस स्टेशन से भी बसें हैं, तो आपको अपना किराया करने की ज़रूरत नहीं है। और मेन गेट से भी आपको बस मिल जाएगा सीधे कामाख्या के लिए, तो आपको प्राइवेट टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप थोड़ा बस का इंतज़ार करिए, आधे आधे घंटे पर बस है। और फिर अब दोस्तों हम बाहर निकल रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो, हमें लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सुझाव है तो उन्हें भी देना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।